जय माता की दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टी सीरीज भक्ति भजन में। दोस्तों आज बात करेंगे अधिक मास के जो 4 दिन 5 दिन रह गए हैं उनके बारे में। 365 बाती का जो दीप दान है ये बहुत ही विशेष है। ये 15 या 16 अगस्त 2023 को होने जा रहा है। इसमें आपको अमावस्या भी पड़ रही है तो आपको इसमें पिंड दान जो है वो भी आपको करने चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 365 का जो दीप बाती है वो कैसे आप बना सकते हैं। दोस्तों आपको एक कलावा लेना है, कलावे को हाथ पर राउंड राउंड लपेटना है। अगर सिक्स लाइन का जो वो होता है डोरी होती है जो कलावे की, उसको आपको 61 टाइम हाथों पर ऐसे लपेट लेना है। ये आप कई 365 बाती जो है ये बन जाएगी और ऐसे ही राउंड राउंड आपको लपेटते रहना है। दोस्तों इस बार अधिक मास जो है सावन के साथ होकर के आया है। ये अपने आप में बहुत ही महत्व साल होने वाला है। 19 साल बाद ये शुभ संयोग जो है हम सब को मिलने वाला है भगवान की पूजा प्रार्थना करने के लिए। जो लोग दैनिक रूप से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आपको गोले लेने हैं, गोले आप 2 दीपदान दे सकते हैं, 1 दीपदान दे सकते हैं या फिर आप 5 भी कर सकते हैं। वो ये आपको गोले से करना होगा। अगर आपके इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप गोला एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप छोटे जो दिए होते हैं उनमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 365 बाती जो है आपको कलावे से बनानी होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी भी कलावे रूपी जो बाती होती है उससे बहुत ही खुश होती हैं। दोस्तों हम आपको आज बताएंगे दीपदान आपको कैसे करना है। दोस्तों ऐसे गोले को बीच में से काट करके उसकी एक छोटी सी दीपक जैसा ही आपको बना लेना है। वो उसमें घी या तेल या तिल का तेल से जो बाती है वो आपको लगा लेनी है। हम 2 ही दीपदान देंगे क्योंकि हम रोज़ करते हैं, तो रोज़ करने वालों के लिए तो ये छूट होती है। वो 11 करें, 5 करें, 7 करें, 1 करें या फिर 2 करें, कितनी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आग को प्रज्वलित करने के लिए इसमें आपको छोटी छोटी जो है कपूर लगानी होगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी फिर अग्नि को प्रज्वलित कर लेती है। और 2 इसमें आपको लौंग जो है वो डालनी होगी। दोस्तों दिए को प्रज्वलित कर लेते हैं। ये शाम के समय जो है दीपदान आपको करना है। भगवान विष्णु का, श्री हरि विष्णु का, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको ज्योत को प्रज्वलित करना है। और ज्योत को आप तुलसी मैया के पास अपने मंदिर में या फिर केले के पौधे के पास में आप कर सकते हैं। तो हमने जो है अपने दोनों जो दीपदान हमने दिए थे, 2 दीपदान हमने करे हैं, वो हमने माता तुलसी के पौधे के पास ही किए हैं। धूप दीप से अच्छे से आरती उतार लेंगे। दोस्तों आरती उतारते हुए मन में प्रार्थना करते रहना है कि श्री हरि विष्णु भगवान हमें अपनी शक्ति भक्ति प्रदान कीजिए, हमारे जो दुख रोग हैं उनको हरिए, और माता लक्ष्मी को हमारे घर पे निवास स्थान बना करके हमेशा के लिए भेजिए। दोस्तों आरती कर लेंगे तुलसी माता की, और जो है राउंड राउंड जल को जो है राउंड जो दीप है उनके ऊपर से आपको वारना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। कि दोस्तों थोड़ा सावधान होकर के आपको ये ज्योत लगानी है क्योंकि ये बहुत ऊंची ऊंची जलती है। और लास्ट में तुलसी माता को के सामने हमने दीप प्रज्वलित कर दिए हैं। दोस्तों ये आपको ज़रूर से ज़रूर दान करने चाहिए। 365 बाती का जो दीप दान है वो ज़रूर करना चाहिए। शिव भगवान जो हैं उनकी भी आपको साथ ही पूजा प्रार्थना करनी है, क्योंकि अधिक मास जो इस बार संयोग बनाकर आया है वो सावन के महीने में आया है। ऐसे बड़े बड़े महासंयोग इस बार हो रहे हैं दोस्तों, तो आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझें कि आपको ऐसे ऐसे कार्य करने को मिल रहे हैं, भगवान की पूजा प्रार्थना का करने को मिल रहे हैं। बहुत ही शुभ समय है, तो आप सभी को दीपदान ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए।
रोज़ दीपदान आपको करना चाहिए। ये 16 अगस्त को जो है समाप्त हो जाएगा ये महीना। तो आप अगर आपने अब तक दीपदान नहीं दिया है तो आज से ही आपको ऐसे ऐसे दीपदान रोज़ दे देने चाहिए। 365 से जो कलावा है 365 बाती बना लेनी है राउंड राउंड सेव करके। दोस्तों 15 या 16 तारीख को जो है आपकी अमावस्या है और अमावस्या में आपको पिंड दान जरूर करने हैं। अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपको पिंड दान अवश्य रूप से आपको देने हैं। दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आध्यात्मिकता और पूजा पाठ से जुड़ी हुई जो है वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी का दिल से धन्यवाद जो आप वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो। अब लेती हूँ आपसे मैं अलविदा। कल फिर आपको मिलूंगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी को जय माता की, जय माता।